लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सीरियस होकर तैयारियों में जुट गई हैं। हमीरपुर जिला से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कार्यकर्ताओं को टिप्स देकर चारों सीटों पर कब्जा जमाने की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं अब इसी सप्ताह कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल भी हमीरपुर आकर कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगी। कांग्रेस लोकसभा सीटों में सेंध लगाकर सालों से चले आ रहे सूखे को दूर करना चाहती है, तो इस बार बीजेपी भी फिर से चारों सीटों पर कब्जा जमाने की फिराक में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती का कहना है कि विधानसभा चुनावों में हारे हुए क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से सुझाव लेकर और मंथन करके लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी की जा रही है, ताकि कमजोर जगहों पर आज से ही तैयारी ठीक हो सके। क्या हम लोग तो 68 सीटों के ऊपर चर्चा करते हुए ये सारा काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जहाँ जीते हैं 44 सीटों पे वहाँ लीड को कैसे बरकरार रख सकते हैं, जहाँ हम लोग हारे हैं वहाँ लीड में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि एमपी तो तभी निकलेंगे जिस समय उस लीड को बढ़ाएंगे और जहाँ हारे हैं उसको लीड में लाएंगे। तो इसलिए हर विधानसभा के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और विधानसभा के साथ साथ हम लोग तो बूथ तक जाने वाले हैं, बूथ के ऊपर कैसे लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारा जो मानना है कि अल्टीमेटली लड़ाई बूथ के ऊपर होती है, बूथ के कार्यकर्ता पर होती है। तो बूथ के कार्यकर्ता मजबूत हों, अच्छे मन से काम में लगें, जो हो गया वो हो गया, अनेकों बार ऐसे उतार चढ़ाव राजनीति में आते हैं। तो इसलिए सब जिलों पे, सब विधानसभाओं पे पार्टी अलग अलग चर्चा करके आगे बढ़ रही है और उसका रिजल्ट आपको लोकसभा सर जहां पार्टी को नुकसान। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार लोकसभा के चारों सीटों पर कब्जा जमाने के लिए तैयारी कर रही है और हमीरपुर जिला में प्रदेश प्रभारी का दौरा है, जिसमें कार्यकर्ताओं को लोकसभा में जीत हासिल करने के लिए टिप्स दिए जाएंगे। बैठक है, जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट को, जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं और सीनियर लीडर्स हैं, उनको बुलाया गया है। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था बुलाने का कि 10 तारीख को हमीरपुर जिले में जो हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी हमीरपुर के दौरे पे आ रही हैं, तो उसकी रूपरेखा बनाने के लिए कि उस दौरे को कैसे सफल बनाया जाए, उस दौरे को सफल बनाने के लिए आज सभी ब्लॉक प्रेसिडेंट और फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड इन सबको बुलाया और उसके ऊपर जो है आज विचार विमर्श किया जा रहा है कि उनका जो दौरा है वो किस तरह सफल बनाया जाए।